डे इन डे आउट छोटे छोटे स्टेप्स में प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप को उस तरह से विजुअलाइज करते जाओगे, तो आप अपने आप उस हिसाब से एक्शंस लेने लगोगे, यूनिवर्स अपने आप उस हिसाब से प्लान्स बनाता रहेगा। चलो जिम जाते हैं। ऑलराइट, लेट्स वार्म अप। बहुत ज्यादा देर नहीं करनी है मुझे। चलो इजी 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 चलो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने रिसेंटली सुनी कि लोग कहते हैं ना कि सब नसीब में लिखा होता है, या तो फिर जो बेसिकली लिखा हुआ होता है तुम्हारे नसीब में वही होता है। अब कॉन्ट्रारी टू दैट, मुझे याद नहीं मैंने किसका वीडियो देखा था और उसके बारे में पढ़ा था थोड़ा, कि अगर बहुत सारे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉसिबिलिटीज़ है तुम्हारे लाइफ में करने के, जैसे मेरा तुम इंस्टाग्राम पर बायो देखोगे कि मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स पॉसिबल। और मेरे YouTube का जो चैनल का वो पीछे का बैनर होता है वो भी वही है कि इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स पॉसिबल। मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे करते हुए जिस जिस चीज़ की तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो सारी पॉसिबल है। अब यूनिवर्स में सिर्फ एक चीज़ नहीं लिखी हुई है तुम्हारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैनिफेस्टेशन में मानते हो तो दैट्स नॉट दी ओनली थिंग रिटर्न फॉर यू। ओके, अगर आप कहोगे कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे अब साइंटिस्ट बनना है, या मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है, और उस चीज़ को आप डे इन डे आउट छोटे छोटे स्टेप्स में प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप को उस तरह से विजुअलाइज करते जाओगे, तो आप अपने आप उस हिसाब से एक्शंस लेने लगोगे, यूनिवर्स अपने आप उस हिसाब से प्लान्स बनाता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने सोच लिया कि आपको एक फुटबॉल प्लेयर या आई एस आई पी एस कुछ भी बनना है। अब बहुत लोग जो ऐसे होते हैं कि दे वर्क रियली 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 हार्ड टूवर्ड्स देयर गोल, और उसके बाद वहाँ पहुँच के वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, जो उनका या तो फिर एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है वो अचीव नहीं कर पाते। तो बोलोगे कि भाई मैं पूरे टाइम बहुत पॉजिटिव था, आई सेट माई माइंड टू इट, आई वॉज मैनिफेस्टिंग अबाउट इट। पर आस्क योर सेल्फ आफ्टर दैट एंड रिजल्ट जो कुछ भी आपको मिला, कि वॉज देयर इवन 1% या 0.01% ऑफ डाउट इन माई माइंड वेन आई वॉज ट्राइंग टू परस्यू दिस थिंग। अगर उसका हाँ है, इफ यू आर इवन गोइंग टू थिंक अबाउट दी अपोजिट पॉसिबिलिटी ना, तो देर आर चांसेस कि वो डर या तो फिर वो डाउट आपके दिमाग में घुस चुका है, एंड वो आपके पूरे प्रोसेस को एक अलग वे में
एक अलग डायरेक्शन में पहुंचा सकता है। जैसे कि मैं अब ऑलमोस्ट तो नहीं, एक साल हो चुका है और मैंने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे क्रिएटर बनना है, मुझे बहुत अच्छे से डायरेक्ट करना है, मुझे बहुत लोगों से बातें करनी है, मुझे नेटवर्क करना है और मुझे बिजनेस करना है। और फाइनली अब एक साल और एक महीने के बाद आई थिंक आई हैव क्रैक्ड इट और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड इवन फ्रॉम द स्टार्ट पिछले एक साल में मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स है, बट राइट नाउ आई नो दैट आई एम ऑन द राइट पाथ और मैं ये कुछ भी करके अचीव करूँगा। और मैं ये बहुत टाइम से बोलता आया हूँ, जब हमारे 0 सब्सक्राइबर्स थे या हमारे 0 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, मैं बहुत टाइम से कहता आया हूँ कि पेशेंस इज़ वन ऑफ द की एंड जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, 100% फेथ इन योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग एंड डू रिसर्च अराउंड इट। एक जैसे जैसे आप सोचोगे ना, आप अपना दिमाग किसी जगह पर लगा दोगे तो अपने आप योर एक्शंस विल ट्राई टू इम्प्रूव, यू विल ट्राई टू इम्प्रूव एज एन ओवरऑल पर्सन के मैं यहाँ पे क्या एक्शंस लूँगा या मैं किस तरह से इस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक द विल टू इम्प्रूव कम्स फ्रॉम। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है ना तो वो एक्शंस उसी तरह से वर्क करेंगे कि चलो थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, तो आप रिस्क कभी ले ही नहीं पाओगे क्योंकि ये पूरा है ना, देयर इज नथिंग टू लूज़ यहाँ पे। व्हेन यू हैव एन आइडिया या तो फिर कुछ भी क्यों ना आप सोच रहे हो, आपने चार साल पाँच साल दिए, क्या हो जाएगा, जिंदा होना तब तक आप। सो देयर इज़ नथिंग टू लूज़, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट एग्जीक्यूट एंड वर्क योर एस ऑफ। दूसरा सेट लगाते हैं और आगे बातें करते हैं। 25 kgs बहुत टाइम से कॉन्स्टेंट वार्म अप बन चुका है टी बार रोज़ के लिए, और 45 kgs करंटली अभी भी, क्योंकि ये दिस इज़ आज जो दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इफ यू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, नेक्स्ट वीक फॉलो कर रहा हूँ, मैं रोज़ वीडियोज़ डाल रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं उन कुछ दिनों से, टुडे इज़ डे 21, मैं 21 डेज से बहुत ही अच्छे खासे डेफिसिट में खा रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग ऑन वॉक्स रेगुलरली, मैं डे बाय डे लीनर दिखता जा रहा हूँ। सो 25 kgs हैज़ बीन अ गुड कॉन्स्टेंट वार्म अप, मुझे बहुत अच्छा फील होता है इसमें, और मैं प्लान भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसमें वेट करके अभी इंक्रीज करूँ। लेट्स गो। वन, टू, थ्री। थ्रू आउट द वे आई एम थिंकिंग आई हैव टू पुल इट विथ माई बैक रादर देन जस्ट माई आर्म्स। फोर, फाइव, सिक्स, कैसे हो केशव भाई, बढ़िया। लेट्स मूव अप। बहुत सारी मूवीज़ में ना डायलॉग है काफ़ी कॉमन के, एक तो मुझे तमाशा मूवी से याद है कि क्या है तुम्हारी कहानी बताओ दुनिया को, फिर गली बॉय में वो कहता है कि तेरी बोली मैं क्यों बोलूँ, तू खुद बोल। तो वही है कि यू आर द राइटर ऑफ योर स्टोरी, भगवान ने तुम्हारे लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ तैयार रखी है। एंड अगर ऊपर जो कोई भी है, भगवान या समझ लो किसी भी हायर पावर में अगर आप मानते हो, तो सारी स्टोरी, सारी पॉसिबिलिटी, सारे आउटकम आपके लाइफ के लिखे हुए हैं। इट इज़ योर चॉइस कि आप कौन सा पार्ट उसमें से चूज़ करते हो, कौन सा रोल प्ले करते हो। तो इट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते अपने लाइफ के आउटकम्स के लिए, अनलेस तुम रास्ते पे चल के जा रहे हो और कोई ट्रक वाला तुम्हें ठोक के चला जाए, या तो फिर वहाँ पे भी स्टूपिड ऑप्टिमिज्म कह सकते हो इसे या स्टूपिडिटी कह सकते हो मेरी इसे, बट वहाँ पे भी तुम सोचो अगर तुमने डिसाइड किया होता कि नहीं एक मिनट रुक जाता हूँ, थोड़ी देर बाद जाता हूँ या बाथरूम जाके आ जाते, आउटकम बहुत अलग हो सकता था। बट राइट योर ओन स्टोरी, वो डरो मत किसी भी चीज़ से, है ना। That's it, the set. 45 kgs on T-bar rows.
फेलियर रेप्स में बहुत ज़्यादा अपना सोच नहीं वाला हूँ. लेट्स गो. ऐसे फेल नहीं हुए तो क्या ही फायदा ट्रेन करने का. अब अगर हम फियर की बात करते हैं तो आप फियर कैसे अपने अंदर नहीं घुसने दे सकते हो, क्योंकि एज ह्यूमंस ना बहुत नॉर्मल टेंडेंसी होती है हम सब की सोचना ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम. बट दैट इज अ गुड थिंग इन सर्टेन सिचुएशंस. बट इफ यू आर परस्यूइंग समथिंग विच इज रियली आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी लिमिट्स तुम क्रॉस कर रहे हो, कुछ भी करके तुम्हें जो चीज़ हासिल करनी है तुम करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उस पॉइंट पे द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ना नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव इन यू, इंक्लूडिंग योर फैमिली फ्रेंड्स, किसी को कुछ विश्वास नहीं होगा. सब शायद मजाक बना सकते हैं उस चीज़ का, किसी को आइडिया भी नहीं आएगा कि तुम्हारा विजन क्या है. बट द मेन थिंग इज टू जस्ट एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर विजन एंड योर प्रोसेस. मैं इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करता आ रहा हूँ, मैं करूँगा जब तक मैं उस चीज़ को मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा. एंड वन ऑफ दैट थिंग इज़ मैं आज कह रहा हूँ, कभी ना कभी सूनर और लेटर मैं इस जिम में और पुणे में मैं साकेत के साथ एक सेशन लगाऊंगा और हम दोनों वीडियो रिकॉर्ड करेंगे साथ में. वो कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अचीव करूँगा. बट राइट नाउ अभी बैक बड़ी करने पे फोकस करते हैं. लैट पुल डाउन अंडर हैंड 90 केजीज पे हम पहुंच गए हैं सरप्राइजिंगली. काफ़ी टफ होता है एक एक रेप निकालना 90 केजीज के साथ, जो आप अब देखोगे. लेट्स गो. 100% एफर्ट एंड 0.01% मोर विल एंड एफर्ट. लेट्स गो. Three.
नहीं खींच पा रहा हूँ, लेट्स ड्रॉप द वेट। 70 चलो। क्लीन रेप्स, क्लीन रेप्स, क्लीन रेप्स। मम्मी पापा आज सुबह काफी अच्छा मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया विथ वन ऑफ माय गर्लफ्रेंड एंड द फाउंडर ऑफ द कंपनी नट जॉब। अगर आप लोगों को पता है कि नट जॉब कौन सा ब्रांड है, दे वर ऑन सीजन वन ऑफ शार्क टैंक, उसका थोड़ा सा एक म्यूटेड क्लिप इनिशियल स्टेजेस ऑफ द वीडियो में डालूंगा। बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्वर्सेशन था। द होल कॉन्वर्सेशन वॉज अराउंड के हाउ कैन मैन बी मोर हाइजीनिक, हाउ कैन मैन बी मोर हाइजीनिक, वाई इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट शुड बी अ नॉर्मल प्रैक्टिस। फिर क्योंकि द होल ब्रांड रिवॉल्व अराउंड मैंस इंटीमेट हाइजीन एंड ओवरऑल हाइजीन फॉर मैन, तो मुझे लगा कि दिस हैज़ टू बी अ रियली गुड टॉपिक to talk about and to learn about as a man if you are willing to grow and improve yourself। क्योंकि जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि how you can be better in certain ways and one of the point was personal hygiene, तो उसके अराउंड हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे बात की। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट था पूरा का पूरा, बहुत मज़ा आई। मैं सुबह 4:45 से जगा हुआ हूँ, हमने अराउंड 7:10 को शूट करना स्टार्ट किया, बहुत मस्ती भी की हमने, बहुत सारी बातें की एंड वी फिनिश्ड इट अराउंड 9:50 AM और उसके बाद हम घर गए, नाश्ता वाश्ता किया और जिम पहुँचे। बैक ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो अब तक हमने क्या क्या किया थोड़ा एनालाइज करते हैं। 2 वर्टिकल पुल्स, एक हो गया अंडर हैंड, एक हो गया अंडर हैंड पुल डाउन्स और एक हो गया 1 arm rows ऊपर से नीचे, एक डाउन टू अप वाला पुल जो हो गया टी बार रोज। अब इसके बाद आई एम गोइंग टू टेक 1 underhand rows बारबेल के साथ खड़े खड़े जो फिर से डाउन टू अप वाले मोशन में होगा एंड 1 more 1 hand rows डंबल के साथ। मुझे काफ़ी टाइम से ऐसे फ्री मूवमेंट्स के साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है मेरे ट्रेनिंग स्टाइल में, तो इसी वजह से मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। मशीन्स मैं छोड़ नहीं रहा हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज माई फर्स्ट लव इज़ एंड विल बी मशीन्स एंड ट्रेनिंग विद मशीन्स, बट इफ़ दिस इज़ वर्किंग वेल फॉर मी राइट नाउ क्यों नहीं। क्योंकि मैंने हैनी रामबर्ट का भी एक वीडियो देखा था, उसमें मुझे पर्सनली कोचेस के वीडियोज़ ज़्यादा देखने अच्छे लगते हैं कि वो बहुत अच्छी इंसाइट देते हैं उनके एथलीट्स पर एंड द वे दे आर ट्रेनिंग। तो हैनी रामबर्ट ऑल्सो सजेस्ट के इवन इफ यू आर यूजिंग ऑल द मशीन्स ना, डोंट स्टॉप यूजिंग फ्री वेट्स, डजंट मैटर द टाइम। या तो आप रैंडमली उसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने ट्रेनिंग मेथड्स में रैंडमली, कम्प्लीटली उसमें ऑल इन घुसने की जरूरत नहीं है, बट डोंट स्टॉप यूजिंग फ्री वेट्स, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि वो कुछ अलग तरह से तुम्हारे मसल को ट्रिगर करते हैं जो मशीन ट्रेनिंग के अलावा एक अच्छा चेंज तुम्हें दे सकता है फॉर अ वीक और टू। तो स्टार्टिंग विथ अंडर हैंड रोज एंड लेट्स गो। चलो, ऑल्सो दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू फिल्म इट इन अ मोर ऑफ अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वाला वे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्शन में और भी ज़्यादा अच्छा बनूँ। इफ़ यू गो टू माई इंस्टाग्राम, आज डे 14 अपलोड होने वाला है, तो मेरी जो रेगुलर डेज वाली जो सारे
क्लिप्स और मिनी व्लॉग्स कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं हम, वो देखोगे तो वो मैं जितना हो सके उतना मेरे विजन को कैमरा में डाल के आपके सामने प्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, और वो सेम चीज़ मैं अब से मेरे व्लॉग्स में करने का ट्राई करूँगा, या तो फिर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। आई होप एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी बेटर एंड बेटर एट इट। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा वेट मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ इसमें, विल जस्ट गो विद द बारबेल वेट प्लस 40 kgs। उतना हैवी जाना मुझे इसमें उतना पसंद भी नहीं आ रहा, क्योंकि द मोर आई हैव कंट्रोल ऑन द वेट उतना ज़्यादा मुझे मेरी बैक पे बेटर फील हो रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ स्मार्टर चॉइस। इसके बाद एक बात दिमाग में आ रही है, मैं शेयर करता हूँ उसके बाद। लेट्स गो, इजी पीजी। चलो Don't stop. One. Two. Good. Let's go. आई थिंक माइंड मसल बना था अभी से, टाइम था सर। फाइनली ऑल दिस एब ट्रेनिंग स्टार्टिंग टू पे ऑफ। ये दोनों दिखने लगे जहाँ सुधी कम्फर्टेबल है तारी शोल्डर मोबिलिटी जेटली अलाउ करती हो। आई थिंक लंच फिनिश हो गया है, घर आ चुके हैं, शाम हुई है, काफ़ी दोपहर में बैठ के काफ़ी एडिटिंग की, बहुत सारे फाइल्स ट्रांसफ़र किए इधर उधर। जो आने वाले डेज हैं जो इंस्टाग्राम पे अपलोड होने वाले हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्ड की, उनके वो मतलब मेरे जो फेस के हेड शॉट्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए। और एक मिनट, पीछे सुपरमैन है, दो टेनिस बॉल है, वहाँ पर गोकू है और टोनी स्टार्क है, और ये पे ये मेरा चेस बोर्ड है, और वो फास्ट एनअप का एक डब्बा जो मुझे वहाँ रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारी कैमरा बैग, हार्ड डिस्क, सेफ्टी। ऑनेस्टली आज घर आके क्या मूड ख़राब हुआ है ना मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है आज घर आने के बाद, और बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए अपने आप को वापस काम करने के उस जोन में डालने का। बट मैंने कहा कि ओके यार, इस चीज़ से मैं बॉदर नहीं होना चाहता हूँ, मैं बॉदर नहीं हो सकता हूँ, एंड आई जस्ट हैव टू सिट एंड स्टार्ट वर्किंग। तो ओके, अभी हुआ 7:24 और रात को वॉक करने जाएंगे अमोल के साथ, उसके डॉग के साथ। उसके डॉग का नाम जोरो है, बादे बहुत सिर्फ आई थिंक 5 महीने का है, जर्मन शेफर्ड है, 5 महीने का है। तो मैं, अमोल और उसका डॉग और शायद उसके मॉम रिवर फ्रंट जाएंगे वॉक करने। अगर आप लोग अहमदाबाद आए हो या अहमदाबाद से हो या आपको पता है रिवर फ्रंट कैसा है, तो बहुत ही सुंदर जगह है,
सही में बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है वहाँ पे। रात को चलने की या तो फिर अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखने की बहुत मज़ा आती है। तो चलो एडिटिंग कंटिन्यू करते हैं, पहले तो नीचे जाएंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे जिसमें होगा दूध, दूध पीऊँगा मैं नीचे जाके, बहुत भूख लगी है। और फिर आई हैव टू फिगर आउट माई डिनर कि आज मैं डिनर में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक मुझे कोई क्लू नहीं है कि आज मैं डिनर में क्या खाने वाला हूँ। तो चलो।